अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ जो बकरीद में हम कबाब बनाते साल भर जो स्टोर करके रखते हैं वो कबाब की रेसिपी। इसके लिए मैं ली हूँ 1 किलो गोश्त, और ये कबाब के गोश्त को कॉटन के या मलमल के कपड़े से साफ़ कर लेना, पानी में धो के नहीं बनाना। पानी में धो के बनाने से क्या होता, कबाब में साल भर सेफ नहीं स्टोर होके नहीं रहते और बू जाता या कीड़े भी आ सकते या बूझ भी आ जाता। तो इसको हम हाथ कपड़े से मलमल के कपड़े से ड्राई कर लेंगे गोश्त को। और बीफ या मटन आप जिसका चाहे उसका बना सकते हैं, सेम तरीके से इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे, अच्छे से इसको सुखा लेंगे। और जो हम धूप में सुखाते इससे कोई बैक्टीरिया वही नहीं आते धूप में जो कबाब सूखते हैं। ये बकरीद में अक्सर सब सारे घरों में बनाते हैं, और धूप अच्छा धूप में इसको सुखाना। इसके पीसेस को हम अच्छे से कपड़े से सुखा लिए। अभी जो चिकना एक्स्ट्रा कुछ निकालना रहा तो आप इसको पौन धराती की मदद से जो कबाब बनाने के लिए मिलती आप उससे इसको पीस को साफ कर लेना, बड़े बड़े पीसेस लेना। अब इसमें पीस को मैं कट कर ली, बड़े बड़े पीसेस से तो थोड़ा कट करना लेकिन बीच से बड़े रहना, जो चिकना लगे हुआ है उसको हम साफ कर लेना। जो चिकना या ख़राब है उस पर कट कर लेना, कट करके पीस को हम साफ कर लेंगे। ये स्टोर करके कबाब आप साल भर भी इसको रख सकते। अब इस तरह से हम इसके कबाबों को काटेंगे। इस तरह से ज़्यादा बाप पतले भी नहीं और ज़्यादा मोटे भी नहीं, मीडियम कट करेंगे। ये सूखने के बाद ऑलरेडी पतले हो जाते हैं सूखने के बाद। इस तरह से सारे कबाबों को मैं काट ली। ये 1 किलो कबाब है, 1 किलो कबाब के हिसाब से मैं जो नमक मिर्ची लगा रहे हूँ आप उस हिसाब से डबल ट्रिपल करके 2-3 किलो कबाब बना रहे हैं 4-5 किलो के उस हिसाब से क्वांटिटी नमक मिर्च के बढ़ा के डाल सकती, लेकिन मैं चटपटे हिसाब से बना रही हूँ। अब इसके लिए मैं ले हूँ 2 टीस्पून भर के नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1.5 टेबल स्पून है लाल मिर्ची, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रा ताज़ा लेना, जब का जब भी आप पीस लेना, और हाथ से इसको अच्छे से मिला लेंगे। कबाब में नमक मिर्ची का टेस्ट, अदरक लहसुन का टेस्ट से ही कबाब अच्छे बनते। सारी चीज़ें हम अच्छी क्वांटिटी में लेना और फ्रेश अदरक लहसुन लेना। अब ये रमज़ान में आप बकरीद में आप ये बना के रखेंगे तो आपको साल भर काम आएंगे। जब आपके पास कुछ भी नहीं है और झटपट आपको पकाना है तो आप खट्टी दाल खाना और कबाब प्याज बना सकते। मेरे चैनल पर कबाब प्याज की रेसिपी है, अगर वो भी नहीं बनाना चाहे तो उसको फ्राई भी कर सकते। अब इसके लिए 2 टीस्पून नमक, कुकिंग ऑयल जो ऑयल हम पकाने के लिए यूज़ करते हैं वही ऑयल 2 टीस्पून डाल देंगे। डाल के इसको अच्छे से मिलाना। ये ना तेल डालने से क्या होता, इसका जो नमक मिर्ची है इसको चिपट के रहता और निकलता नहीं। अक्सर कबाब सूखने के बाद जब धूप में अच्छे सूखते तो इसको नमक मिर्ची पाउडर बन के नीचे गिरना शुरू होता है, ये इसको चिमट के रहता, नमक मिर्ची को चिमटा के रखता तेल, इसलिए तेल डालना अपना। ये जो नमक मिर्ची डाले वेस्ट नहीं होती और गोश्त में अच्छे से कबाबों में अच्छे से अंदर तक पहुँचती। अब इसको जैसा चाहे आप सुखा सकते, कई लोग हैंगरों में भी इसको, इसके लड़ियों को हैंगरों में लगाकर भी सुखा सकते, या चांदी पे टेरेस पे जहाँ पर आपको धूप आती वहाँ पर एक तार बनके जिस तरह हम कपड़ों को सुखाने के लिए एक के बाद एक डालते उस तरह से एक के बाद एक थोड़ा सा गैप रख के 1/2 इंच का गैप रखते हुए तारों पर भी आप ऐसा इसको सुखा सकते। आप धूप तो गर्मा का मौसम तो ख़त्म पर है, जितनी भी धूप है उसमें सुखा सकते। अगर आप ये गर्मा में बनाएंगे तो 2-3 दिन के अंदर ज़बरदस्त हमारे कबाब सूख जाते हैं। दो तीन तरीक़ों से इसको सुखा सकते कबाब को। ये कोई एक डोरी भी बन सकते, इसके लिए तो सुतली की डोरी लेते
लेकिन मेरे पास थोड़े से कबाब बन रहे हैं। अब मैंने मंगाई, बकरीद में अक्सर मंगा के रख लेती है। दोरियों को इस तरह से थोड़ा सा घीटित बन लेंगे, ये लगाने के लिए, एक तरफ लगाने के लिए इसे घीटी बन लेते, और इसको बीच में इसके इस तरह डालने के बाद जिस तरह हम चोटी को गुनते उसी तरह से, और थोड़ा मोड़ के डोरी को ऐसा इसको मोड़ते हुए इसको टाइट करना, और एक बार फिर आना पड़ता है इसको। फिर इसी तरह से हम सारे कबाबों को इस तरह से बना लेना, टाइट हो जाता और थोड़ा थोड़ा एक आधा आधा इंच का इसमें गैप बनना शुरू हो जाता। मैं जिस तरह बता रहे हैं आपको, सेम तरीके से सारे कबाब बना लेंगे, सेम तरीके से। ये बना के अगर ऐसा दिया, तरीका सबसे बेस्ट है, ये बना के रख दिए तो आप लड़ियों को कबाब पे कहीं भी अटका दे सकते धूप में। लास्ट में इसको घीटी मार देना जब ख़त्म हो जाते कबाब। धूप में मैं ये कबाब को सुखाने के लिए डाल दी। डेली धूप आते सुबह के टाइम, दोपहर तक, 4 बजे तक, तो इसी तरह हम धूप में रखेंगे और शाम होने के बाद मगरिब के टाइम इसको निकाल के पंखे के नीचे रख देंगे। फिर सुबह में धूप स्टार्ट होने के बाद फिर धूप में डालेंगे। 3-4 दिन के बाद मैं आपको कबाब बताऊँगी। हाँ, अगर बीच में बारिश दिख रही तो निकाल ले सकते हैं। आज 4th दिन है, कबाब हमारे सूख गए, अब उसको निकाल के बताऊंगी। चलिए, आज 5वां दिन है, हमारे कबाब सूख गए, और इसके जो घीटी में लास्ट में डाली थी कबाबों की, ये डोरी पे इसको खोलना। घीटी खोलने के बाद कबाब हमारे आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से इसका निकाल लेना। ये इंशाल्लाह बकरीद करीब है, आपको ये वीडियो से बहुत मदद मिलेंगी। जिनको नहीं आता उनके लिए ये देखकर आप बना सकते कबाब, और इसको स्टोर करके आप साल भर रख सकते। इसी तरह हम सारे कबाब खोल लेंगे। सारे कबाब में निकाल ली, अब इसको 2 से 3 इंच वाले पीसेस कट कर लेंगे। जिससे काट सकते आप कट कर सकते, आप कट कर सकते। कबाबों को भी कट कर ली, 2 से 3 इंच के साइज में कट कर ली, और कट करने के बाद एक बार धूप में सुखा लेना 1 दिन। उसके बाद एयरटाइट कंटेनर में आप इसको सेव करके साल भर भी रख सकते हैं। लेकिन काटने के बाद जो पीसेस हम कर रहे हैं, जब धूप में सुखाना। अब तो ये जून के महीने में बनाई, में गर्मा में तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। थोड़े से कबाब मैं तल के बताऊंगी। और कबाब प्याज की का सालन बहुत जायकेदार बनता है, दाल के साथ आप उसको बना सकते। वो वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी, वो देख के आप ज़रूर बनाइए। इसके लिए पैन रख दिया और ऑयल डाली, और अच्छे से गर्म हो गया, और ऑयल कम ऑयल में फ्राई होते, ज़्यादा ऑयल की भी इसको ज़रूरत नहीं है। मैं पैन में तली, कढ़ाई में तलना, कढ़ाई में तली तो और अच्छा, डीप रहती कढ़ाई, बिल्कुल अंडा डूब जाते। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर बनाइए। बकरीद का महीना इंशाल्लाह करीब है, आप ज़रूर ट्राई करिए, और साल भर आप स्टोर करके रख सकते। जब आपका दिल चाह रहा फौरी फटाफट आप इसको फ्राई कर ले सकते, इसका जायका ज़बरदस्त रहता। चलिए इसको निकाल लेंगे। आप इसको बीफ में और मटन में जिसमें भी बनाना चाह रहे हैं, तरीका सेम है। अब आपकी रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।